जी के ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की पूजा के खिलाफ लगी याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी को व्यास परिवार को व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार दिया था। कोर्ट के आदेश के करीब 8 घंटे बाद यानी रात 11 बजे ही तहखाने में स्थापित विग्रह की पूजा की गई। 3:30 बजे मंगल आरती हुई। इसके बाद सुबह से बड़ी संख्या में भक्त व्यास तहखाने में दर्शन करने पहुंचे। हालांकि उन्होंने बैरिकेटिंग से 20 फीट दूर से दर्शन किया। बता दें कि तहखाने में जाने का अधिकार सिर्फ व्यास परिवार को ही है। पहले ही हो गया था, आज इसमें डिलीवरी ऑफ जजमेंट के लिए था। रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने ऑपरेटिव पोर्शन ऑर्डर का पढ़ा है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम साइड की, तभी उन्होंने अपने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन में जो भी उन्होंने लिया था और जो आदेश डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ उन्होंने जो दाखिल की उसको बलहीन पाते हुए उसको खारिज कर दिया है और ये कहा है कि जो ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट जज का वो सही था, वहां जो पूजा हो रही है एज इट इज होती रहेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो डीएम को किया है वो सही है, वो गलत नहीं है। 31 जनवरी का जो आदेश है वो एज इट इज रहेगा, वो उस आदेश के खिलाफ थे, ये वो दोनों ही आदेश एज इट इज रहेंगे। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष के पास अब क्या विकल्प बचता है? विकल्प इसके अलावा ये है कि या तो वो यहाँ रिव्यू दाखिल करें, रिव्यू नहीं करेंगे जहां तक है कि वो एसएलपी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट वो पहले भी गए थे, वहां से कहा गया था कि यहां पर सुनवाई करें। वो सुनवाई यहां पे करें, वो अर्जेंसी में गए थे, अब यहां पे जो टेक्निकलिटी है वो खत्म हो गई, यहां की रेमेडी उन्होंने अवेल कर दी, अब इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एसएलपी करेंगे।